अगर आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे फ्री ड्रेस की जानकारी से महताब खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरी टाइमिंग है या बैटरी लाइफ है वो कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, कैसे उसको आप डबल कर सकते हैं। मतलब आज की जो वीडियो, इसमें मैं आपको कोई जादू ट्रिक नहीं बताऊंगा, ना कोई ऐसी फालतू की बात बताऊंगा। जो टेक्निकल बात होगी, जो मोबाइल के अंदर की जो सेटिंग्स होंगी, वही मैं बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी, जिसे आप डिसेबल करके या ऑफ करके आप अपनी बैटरी टाइमिंग को मज़ीद इंप्रूव कर सकते हैं, मज़ीद उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक ऐप है पिक्सल फिल्टर के नाम से, तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस ऐप का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, तो इसको ओपन करने के बाद ऐसे मेरे पास आ जाएगा कि पिक्सल बैटर। अच्छा, ये करता क्या है? ये करता ऐसे ही है कि ये जो आपके स्क्रीन के जो पिक्सल होते हैं, मतलब ये जो ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स ये जो जो पिक्सल होते हैं, ये काम कर देता है, उन्हें इन्हें शॉर्ट कर देता है, काम कर देता है, जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन होता है, जो आइकन्स होते हैं मोबाइल की एप्लीकेशंस के कुछ भी, तो वो और जो मोबाइल की अपनी जो स्क्रीन का लेआउट होता है वो बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा हमें सही तरह नज़र नहीं आता। जैसे आप कभी टेलीविज़न, आपने पुराने टाइप जब वो केबल की लाइट जाती थी, मोबाइल टीवी के केबल की लाइट जाती थी, तो वो जैसे शीशी होता था, वो बिल्कुल पिक्सल नज़र आता था। सेम ऐसे ही थोड़ा सा, अगर अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इसे इनेबल कर दिया तो ये मेरी वीडियो को क्रॉस कर देगा। तो अब इसे आप 50 जितने आप मतलब 50 से लेकर आप 75, 62, 88 कस्टम भी कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऐप है, ये रेजोल्यूशन को कम करने के लिए, आइकन्स के रेजोल्यूशन को कम करने के लिए और उन बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं अपने दूसरी ट्रिक की तरफ। तो जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो है, मैं सेटिंग्स में जाता हूँ कि आप जो वाईफाई स्कैनिंग है और ब्लूटूथ स्कैनिंग, अब ये देखें मैं ब्लूटूथ पे ओपन करता हूँ, तो ये स्कैनिंग सेटिंग्स है। तो ये बेसिकली अगर आप वाईफाई भी ऑफ कर देते हैं या आप ब्लूटूथ भी ऑफ करते हैं, बैक एंड पे ये चलता रहता है। ये जो आपकी ऐप्स होती हैं, ये उनको आपका जो वाईफाई डिटेक्ट लोकेशन होती है वो भी शो, ये इसकी वजह से स्कैनिंग करता रहता है या ब्लूटूथ की वजह से। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ये स्कैनिंग नहीं करेगा। तो इसे आप ऑफ कर देना। बाज़ का तो ये जो स्कैनिंग ऑप्शन होता है, ये ब्लूटूथ में भी होता है, कोई मोबाइलों में आप लोकेशन में जाके जो 3 डॉट हैं उस पर क्लिक करके आप स्कैनिंग ऑप्शन में जाके उन्हें ऑफ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड पे, नेक्स्ट टिप्स पे। तो जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है पावर सेविंग मोड। तो ये पावर सेविंग मोड है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें पावर सेविंग मोड पे करना ये है कि जब भी हम रात को सोने लगें उस टाइम हमने ये पावर सेविंग मोड ऑन कर लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं मोबाइल लॉक स्क्रीन हो जाएगा तो उस टाइम बैक एंड पे जो मोबाइल जो ऐप्स वर्क करती हैं, जो ऐप्स बैकग्राउंड पे जा रही होती हैं, वो एक किस्म का कंप्लीट क्लियर टास्क हो जाएगा, उनको वो चलेंगी नहीं। तो इससे एक मज़ीद एडवांटेज होगा आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस पे, आपकी बैटरी की लाइफ पे। तो ये भी एक अच्छा है। जब चाहें आप इसको, जब आप उठें तो आप इसको ऑफ कर दें और जब आप रात को सोने लगें तो पावर सेविंग मोड को ऑन करके आपने सो जाना है। तो ये नॉर्मली हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में पावर सेविंग मोड का ऑप्शन होता है। तो जो हमारी लास्ट ट्रिक टिप है वो ये है कि आपने अपने अबाउट फोन में जाना है, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर वर्जन है इसको आपने 5 दफ़ा करना है और आप डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा ऐसे। तो उसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शन में जाना है, डेवलपर ऑप्शन के जाने के बाद आपने नीचे चले जाना, नीचे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फोर्स GPU, तो इस ये ऑफ होगा, आपने इसे यहाँ से ऑन कर लेना। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो
जीपीयू या कोई भी आपकी मूवीज है आप प्ले करते हैं, कोई भी आप ग्राफिक आपका वर्क कर रहा होगा, तो उसमें ये होगा कि वो आपका फोर्सफुल रेंडिंग हो रहा होगा, मतलब उसमें ये फोर्सफुली आपको जो कस्टमाइज मोबाइल के अंदर का जो हार्डवेयर है वो खुद ब खुद कस्टमाइज़ कर रहा होगा, ऐसे आपकी जो मोबाइल की बैटरी टाइम है उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा, उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो कांडी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस ऐप इन मेथड या इन स्टेप को लेकर तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वीडियो के दरमियान में एक सब्सक्राइब का बटन मतलब एक टुडे फ्री ट्रिक्स का बटन आ रहा है, उसको आपने क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने आने वाली वीडियो से बेहतर बेहतर लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।